गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और हर रोज की तरह आज भी लेकर आई हूं आपके लिए 5 स्टॉक्स को लेकर रिकमेंडेशंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्टॉक से रिलेटेड लगातार अपडेट्स और रिकमेंडेशंस हम आपको थ्रू आउट द डे देते हैं, इसीलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक के बारे में, साथ ही 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,500 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 40,500 का सपोर्ट मिल रहा है और 42,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। आप इन स्टॉक्स को 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है टाटा स्टील, यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय कर सकते हैं 102 पर, स्टॉप लॉस 96, पहला टारगेट 108 और दूसरा टारगेट 115 पर रख सकते हैं। इसके बाद है गुजरात गैस, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो बाय कर सकते हैं 517 पर, स्टॉप लॉस 505, पहला टारगेट 530 और दूसरा टारगेट 545 पर रख सकते हैं। फिर है भारतीय एयरटेल, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो बाय कर सकते हैं 818 पर, स्टॉप लॉस 793, पहला टारगेट 843 और दूसरा टारगेट 870 पर रख सकते हैं। फिर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर रिकवरी ऑन कार्ड है तो बाय कर सकते हैं 1246 पर, स्टॉप लॉस 1210, पहला टारगेट 1282 और दूसरा टारगेट 1320 पर रख सकते हैं। इसके बाद है MGL, यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय कर सकते हैं 868 पर, स्टॉप लॉस 828, पहला टारगेट 910 और दूसरा टारगेट 950 पर रख सकते हैं। अब देखते हैं स्टॉक से न्यूज, जिसमें आज हम बात करेंगे धानुका एग्री टेक, हिंदुस्तान कॉपर एंड इरोस इंटरनेशनल मीडिया की। धानुका की बात करें तो धानुका एग्री टेक टू कंसिडर शेयर बायबैक थ्रू द टेंडर रूट ऑन 1st नवंबर। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो इन्होंने अ डिविडेंड ऑफ ₹74.20 करोड़ पे किया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। इरोस इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो इरोस मीडिया वर्ल्ड ने कोलैबोरेट किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन फिल्म एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोडक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ ही हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी फॉलो करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फीडबैक और सजेशन हमें कॉमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें।